94.3 MyFM से मैं हूं आरजे राहुल, और आज मेरे साथ एक बहुत ही ये कहूंगा कि शरारती एक और बच्चा आ चुका है, क्योंकि बाल भास्कर और MyFM लेकर आए हैं छोटा आरजे। और आज मेरे साथ छोटा आरजे जो है बहुत ही शरारती बच्चा अमृतसर का, तो नाम इसका केशव, जो शरारता पूरी तरह करता है जी। तो मेरे साथ इस वक्त है केशव। हाय केशव, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं मैं बहुत ही सुंदर हूं, आप बताओ। भी तुम ठीक हूँ। भी ठीक हो? वेरी गुड। तो केशव, छोटा आरजे आप बने हो, सबसे पहले बताओ कैसा, आपको कैसा, क्या सोच रहे हो, मन में क्या सोच रहे हो? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। मैं अभी छोटे आरजे बना हुआ हूँ, तो मेरे मन में भी ये चल रहा है कि जैसे अभी मैं अभी आज जैसे छोटा आरजे बना हूँ, तो मेरे को भी अभी बहुत मस्ती आ रही है। मस्ती मजाक भी करना, भी हाँ बिल्कुल, ये वाली पूरा बिल्कुल फीलिंग आ रही है। पूरे शो में मस्ती मजाक करेंगे। और चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, पहले तो अभी राखी का त्योहार, रक्षाबंधन अभी गया है ना, तो कितनी राखियां आपको बांधी? दिखाओ, कलाई दिखाओ, ऊपर रिस्ट करो, उतार दी है। अरे वाह, वेरी गुड। तो फिर आपने अपनी, आपकी सिस्टर बड़ी है ना आपसे, है ना, तो यस क्या दिया उसको, क्या दिया फिर? पैसे दिए, गिफ्ट दिया, क्या दिया? पैसे दिए थे। पैसे, वेरी गुड। ओके, तो ये अभी आपने रक्षाबंधन मना लिया है ना, अभी अभी इधर देखो, मेरी ओर देखो, हाँ इधर देखो। क्यों आप पीछे, पापा गाइड कर रहे हैं, मम्मी गाइड कर रहे हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे बोल दो, ये बोल दो? नहीं, वेरी गुड। तो केशव ये बताओ कि अभी जैसे कि लॉकडाउन हुआ है ना, स्कूल तो जाना नहीं हुआ, घर से ही पढ़ाई की, मतलब कितनी मस्ती मजाक की आपने, मतलब शरारते खूब की या है, पूरी पूरी शरारते करी। शरारते? और कोई एक शरारत कोई बताओ, कुछ जो आपके बेस्ट शरारत लगी हो आपकी। मम्मी को जैसे तंग करना कि अभी ये बना दो, कभी वो बना दो। मम्मी भी पूरा वो हो जाते थे, थक जाते थे कि अब मैंने ये नहीं बनाना। तो हम बहुत वो मतलब कि पूरा कहते थे मम्मी को कि मम्मी मम्मी ये बनाओ ये बनाओ, तो मम्मी हार के बना ही देती थी। ने कहा चलो बना ही देता, अब तो घर ही रहना, जाना तो कहीं है नहीं। अच्छा स्कूल मिस किया फिर, काफी मिस किया के बिल्कुल नहीं किया मिस? मिस तो किया था। और अपने जो अपने आपके फ्रेंड्स हैं कोई? उनको उन्होंने भी बहुत मिस किया था। तो हाँ बाद में जैसे ऑनलाइन क्लासेस चालू होने लग गई, तो वही फिर बातें बोलते चलती है, पढ़ाई भी चलती है। अच्छा, तो जब मैडम पढ़ाते होते हैं तो बीच में क्या उठ के इधर उधर चले जाते हो कैमरा ऑफ करके, के उधर ही रहते हो? उधर ही बैठे रहना, मैडम जाने नहीं देती। मैडम कहते क्लास जब चालू होती तब कहीं पे भी नहीं जाना। तब कहीं पे नहीं जाना है ना। तो स्कूल कौन कौन से फ्रेंड्स आपके हैं जिनको आप अभी, जिनका नाम लेना चाहते हो? जैसे कि एक हो गया ध्रुव, देव और अभय, ऋतिक, पीयूष, गुरबेल, ये है। अच्छा, इनके साथ मस्ती पूरी करते थे तुम, है ना, स्कूल में? हाँ शरारती हैं तो स्कूल भाई। में कुछ भी होता था तो बस करते थे। हाँ वेरी गुड। अच्छा स्कूल तो में साथ केशव, में चीज खानी वगैरह हुए। ओके वेरी गुड। तो केशव कोई आपको चुटकुला आता हो, जोक सुनाओ कोई मुझे, सुनाओ। उसमें एक आदमी बोलता है कि पानी में रहने वाले कोई पांच जीवों के नाम बताओ। तो वो हाँ बोलता है मछली, मछली के पापा, मछली की मम्मी, मछली के भैया, मछली की बुआ। बुआ की अभी शादी नहीं हुई इसलिए वो उनके साथ में रहती है। पांच जीवों के नाम बताओ, तो है ना, एक मछली के पापा, मछली की मम्मी, मछली के ये बहुत बढ़िया था। अच्छा तो केशव, और मुझे बताओ, आप जब मस्ती पूरी करते थे और उसके बाद आप एक दूसरे को रिडल भी पूछते थे, अभी मुझे पूछ के बताओ कोई रिडल। पहेलिया हाँ पूछो, मुझे पूछ के बताओ। हाँ पहेलिया चलो मैं पूछता हूं अभी। हाँ वो हमें, वो हवा को शुद्ध भी करता है, हमें फल भी देता है, पर फिर भी मानव उसका उपकार करता है, यानी कि दुश्मन है, फिर भी वो हमें उपकार करता है। बताओ क्या है? वो हमें हवा भी देता है, फल भी देता है, और हवा को शुद्ध भी करता है हाँ, और और मानव, फिर भी मानव उसका दुश्मन है, फिर ओके भी अच्छा, वो हम पे उपकार करता है।
यार ये तो मुझे लगता है शायद पेड़ होगा, राइट? जवाब। ये क्या, मैंने पता है। और कोई आती है और पूछो, मैं चलो का जवाब। हाँ चलो पूछो। एक और लास्ट लास्ट। ओके लास्ट, शुक्र है। चौकी पर रहती है, चौकी जिसके सिर पे आग और बदन पे पानी है, बताओ क्या है? पे रहती है ना, सिर पे आग, जिसके बदन, सर पर आग, हाँ बदन पे पानी। बदन पे पानी है। चौकी पे रहती है, सर पे आग, बदन में पानी है, चौकी पे रहती है, क्या होगा? नहीं पता लगा, भूल गया, याद नहीं, मुझे पता ही नहीं, बताओ। बताओ। मोमबत्ती। मोमबत्ती जिसके सर पे ओ आग और बदन पे पानी। ओहो, सही में वाकई भाई, मोमबत्ती। हाँ, सर पे आग, बदन पे पानी। वाह भाई, बड़ा तेज है तुम्हें। अच्छा केशव, अब बताओ मुझे, आपको अभी पता होगा जैसे कि पूरा माहौल जैसे चल रहा है, जो COVID-19 वाला चल रहा है, ये कोरोना वायरस वाला, ये बता कोरोना खत्म कब होगा यार? ये मुझे ये बताओ, मुझे इसका आंसर चाहिए। मेरे को तो लगता है ये कोरोना सारे त्योहार मना के जाएगा। पहले त्योहारों पे छुट्टियां आती थी और अब छुट्टियों में त्योहार आ रहे हैं। मेरे को तो लगता है जैसे अभी हमने होली मनाई, उसमें भी कोरोना ने होली खेल ली, और अभी हम दिवाली मनाएंगे, कोरोना उसमें भी दिवाली मनाएगा, दशहरे में भी कोरोना दशहरा मनाएगा। पता और क्या नहीं ये करता। त्योहार जितने भी आ रहे हैं ना, वो सभी मना के जाएगा। वाह, मतलब कोरोना पता नहीं नानके आया कि थे आया, सारे त्योहार मना के। अच्छा केशव, कोरोना की तो बीवी भी आ रही थी, हाँ अच्छा, कोरोना की क्या बीवी भी आ रही थी, बट कौन कौन थी वो वो? कोरोना की बीवी अच्छा, हंता वायरस आ रही थी, तो उसने क्या कोरोना को बोला था तू इंडिया मत जा, तू ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, तो वो नहीं माना, वो आ गया इंडिया, और हंता वायरस जो थी वो चीन चाइना की चाइना में रह गई। अब कोरोना वायरस इधर हो रही है मुठभेड़ कोरोना वायरस से। अच्छा भाई, अपडेट है तनु भाई, पूरी तरह अपडेट है, वेरी गुड। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, गाने सुनते हो आप? कैसे वाले सुनते हो, फास्ट सुनते हो, यस स्लो सुनते हो, पंजाबी सुनते हो, हिंदी सुनते हो, कौन से गाने सुनते हो? फास्ट फास्ट सुनते ज्यादातर तो पंजाबी सुनता हूँ, हिंदी में फास्ट नहीं, स्लो स्लो, स्लो स्लो। ओके बट ओके ज्यादा मैं पंजाबी सुनता हूँ, हिंदी नहीं मैं सुनता। ओके 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 तो केशव, आज आपसे बात करके मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। आपको तो हंता वायरस के बारे में पता था, आपको तो कोरोना की बीवी के बारे में भी पता ना। तो थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहते हो आप इस वक्त? आपको आपके फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे आपके फ्रेंड्स, तो क्या कहोगे उनके लिए? मैं कहूंगा कि वो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, हाँ हम स्कूल में मौज भी मनाते थे, मस्ती भी मनाते थे, साथ में चीज वगैरह भी खाते थे, कभी लड़ाई हो जाती थी तो वो भी कर ही लेते थे। और एक और कहना है, जो जल्दी से कोरोना खत्म हुए, लॉकडाउन खत्म हुए और मुंह पे से मास्क उतरे। तूने सही बात कही भाई, मुंह से मास्क उतरे यार, है ना, मास्क पहन के कोई जाता है तो जब मास्क पहना हो तो क्या होता है फिर, किसी के एक्सप्रेशन नहीं पता लगते ना कि वो हंस रहा है कि रो रहा है। अभी जैसे कि इतनी गर्मी है, ऊपर से हमने मास्क भी डाला है, तो जो पसीना है वो तो अंदर ही रहता है, बाहर तो निकलता नहीं है। पहले तो मुंह को, मतलब कि मुंह को हवा भी लगती थी, अब तो वो मास्क पहना होता तो वो हवा भी नहीं लगती, तो उससे और गर्मी लगती है, तो बाद में घर पे आके बुरा हाल होता है, कहीं ओके बाहर से जाके आओ तो हाल बुरा। अच्छा, तो लॉकडाउन में आपने बाहर गए थे कभी चोरी छुपे? नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए था ना कभी काम मुझे। होता है तभी जाता हूँ। हाँ जब काम होगा, वैसे भी बच्चों को तो बाहर जाना नहीं था, मम्मी पापा हैं, कोई बात नहीं, है ना, अगर बहुत जरूरी हो तो ही जाना, है ना, अदरवाइज नहीं जाना। तो चलो, थैंक यू सो मच केशव, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय। बाय 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 बाय।